हेलो स्टूडेंट, ये आज का आपका लेक्चर नंबर 5 है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। इसमें आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई। आपको जो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए कि लेट यू इज इक्वल टू, आपके पास फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब आप क्या करते हो, इसमें स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू फाइंड करते हो, फिर स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए पी इज इक्वल टू 0 एंड क्यू इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो आपको एक स्टेशनरी पॉइंट मिलता है। फिर आप आर एस एंड टी फाइंड करते हो और उसी में वैल्यू को रख करके आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करते हो, फिर देखते हो कि वह 0 से लेस है, 0 से ग्रेटर है। अगर ऐसा है तो उसमें आर क्या है, 0 से लेस है कि 0 से ग्रेटर है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की कंडीशन थी, जिसमें हमने डाउटफुल को भी देखा था, मैक्सिमा को देखा था और मिनिमा को भी देखा था। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि यह मैक्सिमम है कि मिनिमम। आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन है यू इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले हम स्मॉल पी फाइंड करते हैं। तो स्मॉल पी फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको जो फंक्शन दिया गया हो, सबसे पहले उसका आप यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको वो स्मॉल पी मिलेगा। तो देखिए, इसका हम यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये यक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और ये ब्रेकेट में क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले फर्स्ट को करेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर ये क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर ही हो जाएगा, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को ऐसे लिखा जाएगा और ये वाला सेम का सेम ऐसे लिख लिया जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा रहे हैं। फिर लगाते हैं माइनस। माइनस लगाने के बाद हम इसको टोटल को लिख देंगे यक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और इसका करेंगे यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो 1 का 0 हो जाएगा, यक्स का हो जाएगा क्या, यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स का क्या हो जाएगा, 1, जो कि यहाँ पे बाहर माइनस लगा है, तो माइनस 1, और वाई का तो 0 हो जाएगा क्योंकि आप यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे स्मॉल पी क्या मिला है, आपको यहाँ पे मिला है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और इंटू में माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। आइए इसी प्रकार निकालते हैं एंड स्मॉल क्यू, और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्मॉल क्यू आपका किसके इक्वल होता है, जो आपको फंक्शन दिया गया हो उसका आप वाई की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर लो। अब देखिए, इसका हम y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का तो होगा, बट x क्यूब क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर ही हो जाएगा। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 इंटू u, और इंटू में x क्यूब है तो 2x क्यूब और इंटू में y हो जाएगा। और दूसरा वाला वैसे लिख लिया जाएगा क्योंकि हम इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लगाइए प्लस। अब इस टोटल को यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इसको आप लिखिए और इसका आप वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और इसका आप करोगे तो एक्स का 0 हो जाएगा, 1 का भी 0 हो जाएगा, और वाई का हो जाएगा 1, जो कि बाहर माइनस लगा है तो माइनस का हो जाएगा 1। इसी प्रकार इसका भी मल्टीप्लीकेशन अंदर करते हैं तो आपको मिलेगा 2x क्यूब वाई ब्रेकेट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो ये है आपका स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू। अब इसी को हम स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0 पुट करते हैं। आइए इक्वल टू 0 पुट करके हम देखते हैं कि हमें स्टेशनरी पॉइंट्स क्या मिलते हैं। आइए सबसे पहले लिखते हैं हेडिंग स्टेशनरी पॉइंट्स। यहां पे क्या लिखना है, स्टेशनरी पॉइंट्स,
स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास जो पी है उसको आप जीरो के इक्वल करते हो, और इसी के साथ साथ जो स्मॉल क्यू है इसको आप जीरो के इक्वल पुट करते हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रेकेट में हो जाएगा थ्री ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वाई और इनटू में माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। मैंने वहाँ से कॉमन लिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप पी वाले इक्वेशन को देखिए, और ये क्यू वाला क्या हो जाएगा, यक्स क्यू वाई ब्रेकेट में टू ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस का वाई इक्वल टू जीरो। इसके पहले के स्टेप में लिखा था इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करके, तो मैंने इससे स्क्वायर व वाई स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो ब्रेकेट के अंदर बचा थ्री ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे मैंने कॉमन किया एक्स क्यूब इंटू वाई, तो ब्रेकेट के अंदर बचा टू ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अगर इसको हम जीरो के अपॉन में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बचेगा आपका थ्री ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और उसी प्रकार यहाँ पे क्या मिलेगा, टू ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड वाई नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए हम इसको बराबर के जीरो नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जीरो को अपान में ले गया, इसको जीरो बना दिया, तो आपके पास क्या बचा, थ्री ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस का वाई इज इक्वल टू जीरो। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमें स्टेशनरी पॉइंट्स क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब थ्री का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ब्रेकेट के अंदर, तो थ्री वन जा थ्री, और यहाँ पे माइनस का थ्री एक्स माइनस का थ्री वाई, यहाँ पे माइनस एक्स पहले से है, ये आपका है जीरो के इक्वल, और यहाँ पे हो जाएगा टू से मल्टीप्लीकेशन, तो टू इंटू वन टू हो जाएगा, फिर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई और यहाँ पे माइनस का वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे माइनस का थ्री एक्स है, यहाँ पे माइनस का एक्स है, इसको आप ऐड कर लीजिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, थ्री माइनस फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए टू माइनस टू एक्स है और यहाँ पे क्या है, माइनस का वाई है, यहाँ पे माइनस का टू वाई है, तो माइनस का थ्री वाई और ये माइनस का टू एक्स, तो माइनस का टू एक्स और माइनस का थ्री वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या फाइंड होता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का फोर एक्स है, माइनस का थ्री वाई है, ये प्लस का थ्री है, अगर हम यहाँ से माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे या फिर थ्री को आप उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का जाएगा, इधर से माइनस उधर का माइनस कैंसिल आउट होकर के आपके पास क्या बचेगा, आइए देखते हैं उसको, ये आपका हो जाएगा फोर एक्स प्लस का थ्री वाई इक्वल टू थ्री। मैंने थ्री को इस साइड ही रखा और माइनस का फोर एक्स माइनस का थ्री वाई इक्वल टू के सामने, फिर उसको चेंज कर दिया तो फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री आ गया, और इसी प्रकार आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू एक्स प्लस का थ्री वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टू। ये आपका देखिए बहुत ही सिंपल इक्वेशन बना है एक्स एंड वाई में, टू वेरिएबल्स में, देखिए फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू आपके पास थ्री है एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू आपके पास टू है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करने हैं और उसमें एक्स एंड वाई का फाइंड करना है वैल्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, इसको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू और वाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा वन बाई थ्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को तो आपको एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू मिलेगा एंड वाई इक्वल टू आपको मिलेगा वन बाई थ्री। यही आपका जो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू और वाई इक्वल टू वन बाई थ्री आपको मिला है, यही आपका क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट्स। तो आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, वन बाई टू कॉमा वन बाई थ्री इज अ स्टेशनरी पॉइंट। अब इसके बाद का काम क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम R, S एंड T फाइंड करते हैं। R आपका किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर U अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये आपके पास कैसे आएगा, आपने अभी P इक्वल टू फाइंड किया था डेल U अपॉन में डेल एक्स,
उसी का आप एक बार और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। आई होप आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन अब आ गया होगा, क्योंकि आपका ये लेक्चर नंबर 5 है और 1 by 1 क्रम में आप इसको सॉल्व करते आ रहे हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6xy² माइनस 12x² y² और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 6xy³। और मैंने आपको बताया था एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू में डेल वाई, अर्थात जो आपके पास डेल यू अपॉन में डेल एक्स है जो कि पी की इक्वल है, उसी का आप अब वाई के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो आपको मिलेगा यस, और ये आपका इक्वल टू होगा 6x² y माइनस 8x³ y और माइनस का हो जाएगा 9x² y²। अब मैं आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप मैक्सिमम मिनिमा के टू वेरिएबल्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आई होप आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन अब आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू क्या है, आपने वहाँ पे q इज इक्वल टू इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिए आपने q फाइंड किया है डेल यू अपॉन में डेल वाई, आपको क्या मिला है 2x³y ब्रैकेट में 1 - x - y माइनस x³y² इसी का आपको एक बार और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे आपको मिलेगा क्या डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और ये आपके पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखिए हम इसका वैल्यू यहाँ पे लिखने चल रहे हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2x³ और ये हो जाएगा माइनस का 2x⁴ और ये हो जाएगा माइनस 6x³ इंटू में वाई, यहाँ पे हो गया 2x³ माइनस 2x⁴ माइनस 6x³y। अब देखिए आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट 1/2 एंड 1/3 फाइंड हुआ है, इसी को ये आपका x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, तो एक बार r में पुट करिए x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/3, फिर वही सेम वैल्यू आप यस में पुट करिए और वही सेम वैल्यू आप t में पुट करिए, आपको तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो आपका हो जाएगा r इज इक्वल टू माइनस 1/9, s इज इक्वल टू माइनस का 1/12 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1/8। देन आपका नेक्स्ट काम क्या होता है, rt माइनस s² फाइंड करते हो, तो जब r इंटू t का मल्टीप्लीकेशन करेगो तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/72 और माइनस इसका होल स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 1/44। ये आपका वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है, बट यहाँ पे जो आपका आर है वह 0 से लेस है, और इसी के साथ साथ जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है 0 से ग्रेटर है एट किस पर 1/2, 1/3 पर, तो आपके जो पॉइंट है 1/2, 1/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्स। मैंने आपको ये कंडीशन फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू 0 से ग्रेटर आता है और उसके साथ साथ R का वैल्यू 0 से लेस आता है तो वह पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मैक्स कहलाता है। और मैंने इसी के साथ ये भी बताया था कि अगर RT माइनस s² 0 से ग्रेटर आ रहा हो और स्मॉल r भी 0 से ग्रेटर आ रहा हो तो वह क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मिन कहलाता है। और इसी के साथ साथ एक कंडीशन आपको और बताया गया था कि अगर RT माइनस s² 0 के बराबर है तो वह केस कौन सा कहलाता है, डाउटफुल केस कहलाता है। अगर ये आपके पास जो पॉइंट है 1/2, 1/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्स है, तो हम इसी पॉइंट को आपके पास जो फंक्शन दिया गया था यू में उसी में जहाँ पे यक्स है वहाँ पे 1/2, जहाँ पे वाई है 1/3 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या था यू का, x³y² ब्रैकेट में 1 - x - y था, तो जहाँ पे यक्स है मैंने 1/2 पुट किया है, जहाँ पे वाई था मैंने 1/3 पुट किया है, और यदि यहाँ पे होल क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है और ब्रैकेट में ऐसा है तो आपके पास जो इसको सॉल्व करने पर लास्ट स्टेप में वैल्यू मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा 1/432, और यही आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्स पर यू मैक्स का वैल्यू। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।